ক্রিস বলেছে তুমি এইটা পাওয়া গেছে বলে সেটাও বলো না, তুমি শুধু ওদের বসে রাখো। मिला ये लड़का ठेकेदारी में काम करता था, ये जो घर देख रहे पीछे तो ये उसका घर है, दो भाई है, माँ बीमार था, चार पाँच दिन से माँ उसका बीमार है, डायमंड में भर्ती किया था लोग, क्या कारण है हम लोग सुबह पता चला क्यों लड़का पोखर में वहाँ पर डूब के बनबन पीठ जो है वहाँ पर डूब के मरा हुआ है। क्या नाम है उसका? जितेंद्र सिंह। क्या लग रहा है? हमको लगता है पोखर ऊपर गया होगा नहाने वहाने इसी करके मरा है, ऐसा कोई और बात नहीं। लड़का वो सीधा चलता था, ठेकेदारी में काम करता था। मिसिंग था क्या? हाँ, मिसिंग कैदी से था। कितना दिन से मिसिंग था? दो तीन दिन से, बेसी दिन से नहीं, दो तीन दिन से। क्या लग रहा है कोई मार के? ना ऐसा कुछ संदेह हम लोग को नहीं लग रहा है, वैसे आगे पुलिस इंक्वायरी करेगा तो पता चलेगा क्या है नहीं है। आपका नाम? कौशल सिंह। एमने दिन मजूरी को तो আমি তো শুনলাম এটাই যে ও মানে নিখোঁজ হয়ে গেল মঙ্গলবার, তারপর আমি জানি না আর কিছু। দিন মজুরি ওদের ব্যাপার আমি কী করে জানবো, ও তো কারোর সঙ্গে কিছু ছিল না, শত্রুতা ছিল, ও হয়তো সুসাইড করেছে বলে। অসুখ পসুক ছিল নাকি? না। কতদিন ধরে মিসিং ছিল? হ্যাঁ, কতদিন ধরে লাপাতা ছিল? মঙ্গলবার থেকে চিল্লারে ভর্তি ছিল আর কে কেয়ার না কে বলে ও এখানে ভর্তি। কোথায়? এই রানীগঞ্জ পাঞ্জাবের মোড়। কেন ভর্তি ছিল? রয়্যাল কেয়ার। রয়্যাল কেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। ও এখানেই ভর্তি ছিল, শরীর খারাপ, বুড়ি মানুষ, লক্ষ্মী পান্ড হেলথ কার্ডে ভর্তি ছিল। কোথায় থাকতেন? মাধাপুর। আচ্ছা, তার কি নাম? না ইয়ার নাম জিতেন্দ্র। না নাম কি? আমার নাম মহেশ রাম। তুমি কোথায় থাকো? আমি মাধাপুরে। ना क्या, वो दवाई के बहाने में निकला, माँ का तबीयत खराब था ना, रोज से छुट्टी करा के लाए, दवाई लाने के लिए वो निकला था, हम दवाई लाने जा रहे हैं, इसके बाद से वो घर नहीं लौटा। कब ये हुआ? कल का डेट। अच्छा। तो हम लोग पूरा इधर उधर फोन करके पता किया अपना जितना रिलेशन में है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला, तब लास्ट हमको मिसिंग कंप्लेंट के लिए थाना में आए। तो यहाँ जैसे ही आए उसी तरह फोन आया कि ऐसा ऐसा एक तो बॉडी मिला, तो हम लोग रुक गए देखने के लिए, क्योंकि हमारा घर से ज़्यादा दूर में नहीं है ढांडा। क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिंह। कितना उम्र था? 38 साल। क्या करता था? राजमिस्त्री के लेबर का काम करता था। तब तुम लोग को एक शक हो रहा कि कोई मार दिया या कोई कुछ किया? उसका तो सर ऐसा कोई दुश्मन तो है नहीं। अच्छा। क्योंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं है, कहा है कि वो काम से छुट्टी करके आता था, अपना घर से कहीं मतलब नहीं रखता। ना किसी पर शक हो रहा आप लोग को? ना शक तो अभी किसी पर हम जता नहीं पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? देखें, आने दीजिए, अब क्या करें हम। आपका नाम? मेरा नाम सतेंद्र कुमार सिंह, उसका छोटा भाई।